अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार गोट्स फार्म में आपका स्वागत है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये देवनार मंडी है और आज हम देवनार आए हैं। आज 1 फरवरी है, शनिचर का दिन है और शनिचर के दिन सभी को मालूम है देवनार मंडी लगती है। तो ये देवनार का एक व्यू है, एंट्री जहाँ से देवनार धक्का गेट से एंट्री होती है। बाकी मैं आपको व्यू बता दूँ, आप देख सकेंगे कि काफ़ी हैरान होंगे जगह देख के। ये हमारी जगह है जहाँ पे मैं कुर्बानी के टाइम पे हमारे बकरे लगाता हूँ। पूरा डेमोलिशन हो चुका है, पूरा मैदान बना चुके हैं और वो जगह पे अभी क्या नया कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाला है कुछ पक्का नहीं है। तो हम चलते हैं अंदर, अभी बकरे मैं आपको बकरे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बकरा मंडी है हमारी देवनार की। जो बाहर के भाई लोग हैं, जो गल्फ़ में हैं और जो बॉम्बे में नहीं है, वो काफ़ी खुश होते हैं हमारी मंडी देख के, क्योंकि ये एशिया की, जहाँ तक कि मुझे मालूम है और शायद पॉसिबल हो, ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और सबसे ज़्यादा बकरे जो डेली जैसे कसाई लोग के लिए आते हैं तो वो सबसे ज़्यादा माल आता है। यानी 35,000-30,000 बकरे हर मंडी यहाँ आते हैं, तो ये बहुत अच्छी क्वांटिटी है। अब बकरे देख सकते हैं काफ़ी कटु का माल है, लेकिन माल बहुत महंगा था। इससे मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि हम लोग ने माल ख़रीदने आए थे कुछ हकीके के बकरे। मेरी बहन है और बहनों ही है जो, तो उनके घर के हकीके के लिए हम बकरे ख़रीदने आ जाए थे। तो हम लोग काफ़ी दोस्त लोग थे, मेरे बहनों ही थे, हम सब साथ में थे। तो मंडी का कुछ बकरे हमने ख़रीदे भी है, आगे इंशाल्लाह मैं उसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा। तो पहले मैं आपको मंडी का थोड़ा सी व्यू बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि बकरे आप बताएं क्या है और कैसी डील होती है, क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं बकरे जो मंडी में है काफ़ी तादाद में थे, बकरे बहुत थे, अच्छे खासे आए हुए थे। इसमें मेसी जो मेंढे बोलते हैं वो भी बहुत थे और बकरे तो आप देख ही रहे हैं हर जगह पे थे। नीचे की तरफ जो शेड के नीचे भी बकरे काफ़ी लगे हुए थे। तो बकरे ये कुछ मिक्स माल है, कोई राजस्थान का भी होता है और अलग अलग जगह का। लेकिन बकरों का जो रेट था मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा था, हम लोग परेशान हो गए थे बकरा ख़रीदने के लिए। और हम लोग ने लगभग 2 बजे हम लोग देवनार में एंट्री कर चुके थे और हमको घर पहुंचते पहुंचते लगभग रात के 9-10 बज गए, क्योंकि इतना लेट और उसके बावजूद इतना टाइट बाज़ार, क्योंकि कट्टू का माल हमको सिर्फ हकीके के लिए जो बकरे लेने थे वो इतने महंगे थे। नॉर्मल बच्चा जो 15 से 20 किलो गोश्त का बच्चा यहाँ पे 15,000-16,000 रुपये लोग मुँह से मांग रहे थे दांत वाले बच्चों के, तो समझ के बाहर था। और उसमें ऐसा भी नहीं कि कोई क्वालिटी का माल हो कि बहुत खूबसूरत है, सोजत है, मालवा है, कोटा है, सिर्फ दांत वाले बकरे ये हमको लेना था उसमें, क्योंकि दूसरे दिन ले जाके हकीका करना था हमको, तो वो हिसाब से ही हम परचेज़ करने आए थे। लेकिन बाज़ार की जो रेट की जो बहुत ज़्यादा रेट था, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि कोई भी, मैं आगे आपको बकरों के रेट के बारे में बताऊँगा। कुछ लोगों ने बकरे ख़रीदे भी, हमने उनसे भी पूछा रेट और हमने भी खुद बकरे ख़रीदे, 4 बकरे हमने लिए थे। तो उनसे वो भी रेट है, जो डिटेल है वो भी वीडियो में आगे है, मैं इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा क्या रेट होता है, कैसे हम लोग रेट कर रहे थे। तो ये बकरे आप देख सकते हैं, बकरे माशाल्लाह अच्छे बकरे आए थे, काफ़ी खूबसूरत बकरे भी देखने मिले यहाँ पे मंडी में। ये भाई ने बकरे ख़रीदे थे, कितने का लिए? दोनों अच्छा, बच्चा हाँ सोजत में दोनों 14,000 रुपये का ना, गुड अच्छा है माशाल्लाह। ये माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत बच्चे थे दोनों, छोटे आप देख सकते हैं। मैंने उसे रेट भी पूछा, उसने कुछ 14,000 रुपये में 2 बच्चे लिए थे। जिंदा बच्चों का वज़न लगभग 15 किलो जिंदा वज़न होगा और उसकी कीमत 7,000 रुपये। तो यहाँ यही चल रहा था, बहुत टाइट कीमत थी ये, तो फिर भी खूबसूरत बच्चे थे तो उन्होंने 7,000 दिया। ऐसे और भी कई बकरे हमने देखे ये, तो रेट का तो मैं आपको आज इसीलिए मैं खास टारगेट रेट पे कर रहा हूँ, क्योंकि 600 रुपये किलो मटन बॉम्बे में बिक रहा है इसके पास से। और हमने 600 रुपये के हिसाब से भी दुकानों पे जो कसाई लोग होते हैं वो काट के उसके अंदर बकरियाँ भी बिकती है और मेंढा मेंढी जो मेंढे और मेंढी में फीमेल होती है वो भी सब 600 रुपये किलो गोश्त दुकानों पर बेच रहे हैं और उनकी परचेसिंग भी बहुत टाइट है।
क्या बोल रहे हैं? ये भी एक बकरा आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा था, खूबसूरत लग रहा था, उसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा उसने बोली। ये हमने चार बकरे तीन बकरे हमने निकाले थे, ये यहाँ पे लोग बेचते हैं बाज़ारों से ख़रीद के, अपने केवट वाले बोलते हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में। आप देख सकते हैं, मुझे है तौसीफ़ है, मेरे एक रशीद भाई करके हैं, इन्होंने 15,000 रुपया एक बकरे का बोला। और बकरा आप खुद देख सकते हैं बकरे की क्या क्वालिटी है, सिर्फ बकरे दांत वाले थे, बकरे में कोई क्वालिटी नहीं, कुछ नहीं। सर पकड़ने के लिए दिल हो रहा था, एकदम हद हो गई थी, कोई समझ में नहीं आता। हमारे फार्म पे एक्चुअली काफ़ी बड़े बकरे अभी है, इसलिए मैं उन्हें काटने के लिए नहीं निकाल पा रहा था, और हम लोग काटने के लिए हकीकी के लिए बकरे देते भी नहीं हैं, मोस्टली पालने वाले ही लोग हमसे बकरे लेते हैं वो क्वालिटी। लेकिन जो रेट यहाँ चल रहा है उससे बेहतर तो हमारे पास ही रेट होता है। आप देख सकते हैं 15,000 रुपया एक बकरे का, यानी 45,000 में ये तीन बकरे, अल्लाह रहम करे। लेकिन माल ख़रीदना था, बकरे ख़रीदने थे, तो हम आगे बढ़े और एक जगह हमारा लगभग सौदा एक जगह देख के आए थे, तो उसके पास वापस जा रहे हैं अभी, वहाँ देखते क्या सौदा होता है। चट्टी तक सुनो, ये रोजी आपके अंदर ईमान से मैं बोलता नहीं। अरे वो 35 तो बोल ही रहे हैं, 500 खत्म करो, चलो वही तो बोले, 34-11:30 कर ना यार, मैं उतरते है ना, उधर से हम लोग पीट के लेके आए, 35,000 लेना पड़ेगा। डाले अंदर, हमने बकरे तो ले लिए, ये एक वाइट बकरा लिया जो हमने 12,000 रुपये का लिया, और ये तीन बकरे लिए थे जो हमने 35,500 रुपये के लिए थे। आपने सौदा तो देखा ही था लगभग, यानी ये 12,000 रुपये में जो क्वालिटी लिए वो यकीन के परे थी। देवनार से निकलते निकलते रात हो गई, आप देख रहे हैं अंधेरा हो गया है, रात का टाइम है, अब लगभग 6:30-7 बज चुका था। अब मेरे जो बहनोई है, भाईजान है, वो अपनी गाड़ी लेके आए थे, वो गाड़ी के अंदर उनको ये चारे वो बकरे हम लोग डाल के दे दें और मैं फारिग हो जाता, क्योंकि उन्हें बॉम्बे जाना था और मुझे मुमरा रिटर्न होना था, क्योंकि मैं मुमरा में रह रहा हूँ आजकल, सभी को मालूम है मेरा फार्म मुमरा में शिफ्ट हुआ है। तो ये चार बकरे मेरे बहनोई ने लिए, जैसे कि एक 12,000 रुपये का और एक 35,500 का, तो आप देख सकते हैं इंशाल्लाह कल के दिन हकीका होगा इनका, अल्लाह इनका हकीका कबूल करे उनके बच्चों के लिए। बहरहाल एक छोटी सी वीडियो मैं आपके पास लेके आया था देवनार का व्यू, और काफ़ी लोग बोलते हैं कि कैसा है चल रहा है, तो देवनार बहुत ज़्यादा टाइट चल रहा है, आगे अल्लाह रहम करे क्या होने वाला है, तो देखेंगे इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद एक आध और वीडियो में देवनार की लेके आऊँगा। तो बहरहाल वीडियो पूरा आपने देखे, पसंद करें तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।